वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड आज की वीडियो यार काफ़ी क्रेजी रहने वाली है एंड काफ़ी सारे आप लोगों के डाउट है वो मैं क्लियर करने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले यार अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराया तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, हम बहुत ही ज़्यादा क्लोज है 123 के सब्सक्राइबर्स के, जरा जल्दी से कंप्लीट करवा दो आज की वीडियो के बाद। तो हमारी जो फर्स्ट अपडेट निकल कर आती है वो निकल कर आती है BMPS को लेकर। तो हमारे को जो कल से BMPS के मैचेज है वो स्टार्ट होते हुए दिखाई देंगे एंड ये हमारे को लाइव स्ट्रीम होते हुए दिखाई देंगे 4:30 पे एंड वो आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। एंड इसके बाद हम बात करने वाले हैं फॉर्मेट एंड ग्रुप्स के बारे में। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि टोटल हमारे को 96 टीम्स जो है वो खेलती हुई दिखाई देंगी एंड इन 96 टीम्स को डिवाइड किया गया है टोटल 12 ग्रुप्स के अंदर। एंड आप लोगों को भी पता ही है हर ग्रुप के अंदर हमारे को 8 टीम देखने को मिलेंगी एंड जो टोटल हमारे को 12 ग्रुप्स देखने को मिले इनको दो पार्ट के अंदर डिवाइड कर दिया गया है, टीम रेड एंड टीम ब्लू। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टीम रेड के बारे में। तो टीम रेड के अंदर हमारे को 6 ग्रुप देखने को मिले हैं एंड कौन सी टीम्स इसके अंदर रहने वाली है वो आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। एंड इसके बाद हम बात करें टीम ब्लू के बारे में, तो यहाँ पे भी हमारे को 6 ग्रुप्स जो है वो देखने को मिले हैं एंड वो भी आप लोग अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि कौन सी टीम्स इसमें रहने वाली है। एंड इसके बाद हम बात करें शेड्यूल के बारे में, स्टेज है वो हमारे को 3 हफ्ते तक चलती हुई दिखाई देगी एंड हर वीक के बाद हमारे को एक ओवरऑल स्टैंडिंग देखने को मिलेगी। एंड मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूँ यार, हमारे को कल से जो वीक 1 है वो स्टार्ट होता हुआ दिखाई देगा जहाँ पे हमारे को 22nd, 23rd एंड 24th को जो टीम ब्लू है वो खेलती हुई दिखाई देंगी एंड टीम ब्लू के अंदर टोटल हमारे को 6 ग्रुप देखने को मिले हैं। तो मैं आप लोगों को एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ, जैसे हमारे को टीम सोल है वो हमारे को देखने को मिली है टीम ब्लू के अंदर, तो उनके हमारे को मैचेस देखने को मिलेंगे इन 3 दिन में एंड टोटल 5 मैचेस हमारे को हर टीम के देखने को मिलने वाले हैं एक हफ्ते के अंदर। तो हमारे को फर्स्ट वीक के अंदर जो 3 मैचेस हैं वो सोल के देखने को मिलने वाले हैं एंड जो वीक 1 में टीम ब्लू के मैचेस हैं वो हमारे को 22nd, 23rd एंड 24th को देखने को मिलेंगे। एंड इसके बाद हम बात करें रेड टीम के बारे में, तो वहां पे उनके मैचेस हमारे को 25, 26 एंड 27 को खेलते हुए दिखाई देंगे। एंड इससे रिलेटेड मैं आप लोगों को बता देता हूं, जैसे रेड टीम के अंदर हमारे को टीम गॉडलाइक देखने को मिली है तो उनके भी हमारे को जो 5 मैचेस है वो देखने को मिलने वाले हैं 3 दिन में एंड वो आप लोग अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। एंड इसके बाद हमारे को जो वीक खत्म होने के बाद में ओवरऑल स्टैंडिंग देखने को मिलेगी, उसके अंदर हमारे को टोटल 96 टीम्स की ओवरऑल स्टैंडिंग देखने को मिलेगी एंड सबने 5 मैचेस खेल लिए होंगे। तो हमारे को जो भी टॉप पे देखने को मिलेगा उनको हमारे को कुछ बोनस पॉइंट्स भी एड होते हुए दिखाई देंगे। तो उनकी ओवरऑल स्टैंडिंग के अंदर जो टीम फर्स्ट रहने वाली है उसको 25 बोनस पॉइंट मिलने वाले हैं एंड ऐसे ही हमारे को देखने को मिलेगा एंड आप लोग टेबल देख सकते हैं बोनस पॉइंट की। इसके बाद हमारे को हर वीकेंड में एक पॉइंट्स टेबल बनता हुआ दिखाई देगा जहां पे हमारे को जो टीम्स है उनको बोनस पॉइंट मिलते हुए दिखाई देंगे। एंड इसके बाद मैं आप लोगों को बता देता हूं जो टॉप 16 टीम्स रहने वाली हैं वीक 1, वीक 2 एंड वीक 3 की ओवरऑल स्टैंडिंग को ऐड करके वो हमारे को ग्रैंड फाइनल्स में जाती हुई दिखाई देंगी एंड मे बी वो हमारे को लैन देखने को मिल सकता है। एंड इसके बाद बात करें कुछ अनाउंसमेंट्स के बारे में, सबसे पहले जो संयम है उनके हमारे को मेडल ई स्पोर्ट्स के पेज पर अनाउंसमेंट देखने को मिली एंड इसके बाद जो ट्रिगर है वो ओआर में जा चुके हैं लोन पे BMPS के लिए। एंड मैंने बताया था आप लोगों को जो बाकी प्लेयर्स है वो हमें राइवलरी के स्लॉट पर खेलते हुए दिखाई देंगे, उनका नाम रहने वाला है फॉरेस्ट एपन, उनकी भी अनाउंसमेंट आ गई है। एंड इसके बाद जो न्यूमैन का लाइनअप है उन्होंने भी अनाउंस कर दिया अपना BMPS का लाइनअप, इनका जो लाइनअप है वो भी आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं। एंड इसके बाद जो 8-bit है उनका भी हमारे को जो लाइनअप है वो देखने को मिला एंड मैंने आप लोगों को बताया था उनका कोलैब देखने को मिलेगा CS के साथ, तो फाइनली अनाउंस हो गया है। एंड इसके बाद जो वीरू है वो हमारे को रिपर्स के स्लॉट से खेलते हुए दिखाई देंगे जो कि ग्रुप 10 में है एंड वो आप लोग स्क्रीन पर देख लो। एंड इसके बाद बात करें स्काउट के बारे में, तो वो हमारे को MGZ में खेलते हुए दिखाई देंगे, तो बेसिकली हमारे को मार्कोस एंड जीरो का कोलैब होता हुआ दिखाई दिया एंड वो आप लोग स्क्रीन पर देख लो। एंड इसके बाद हम बात करें अल्ट्रॉन के बारे में, तो हमारे को CK के लाइनअप से जो अल्ट्रॉन है वो खेलते हुए दिखाई देंगे एंड बेसिकली जो नाइट आउल है उन्होंने अपना नेम चेंज कर लिया है एंड वो आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट अपडेट निकल कर आती है टीम मायावी को लेके, तो मेरे को जहां तक लीक्स वगैरह मिली है वो हमारे को मेगा स्टार से खेलते हुए दिखाई देंगे एंड गॉड लाइक को ज्वाइन करने के बाद अपनी फर्स्ट स्ट्रीम करी जिसके ऊपर उन्होंने बात करी थी गॉड लाइक ज्वाइन करने के बारे में, तो उन्होंने इस पर क्या बोला वो आप लोग देख लो। गॉड लाइक को ज्वाइन अनएक्सपेक्टेड था, जल्दी अनएक्सपेक्टेड था लेकिन तुम लोगों के लिए था, मतलब मैं बहुत टाइम से वो था, बहुत टाइम से चीजें चल रही थी, बस वही है कि लोगों के सामने अभी आई थी ऐसा। ये गॉडल क्या प्यार अंदा मिलेगा, मचाओ BMPS में, फुल ट्राई करेंगे यार, उसकी स्ट्रेस मत लो तुम लोग, जितना हो सकेगा ना उतना ज़्यादा मैं, तुम लोगों को कभी भी ऐसा नहीं लगेगा भाई कि भाई ये बंदा अपना 100% नहीं दिया, हर बार जितनी बार भी होगा मैं अपना 100 दूंगा, समझिए, तो उस चीज़ का तुम लोग स्ट्रेस मत लो और मेरे को पैनिक मत करवाओ भाई, इतने सारे लोग एक साथ पैनिक हो जा रहा हूँ मैं, तो देखे ना कभी इतना सारा प्यार कभी मिला ही नहीं, क्या करे। हाँ बोलना बोल, अरे मैं वो जाता हूँ, खुश हो गया था मैं, 10,000 लोग दिख रहे हैं मेरे को आज। क्या बोला वो आप लोग देख सकते हैं। ये चीज तो तुम टीम सोल के लिए भी कह सकते हो ना, BMPS जीतने के बाद BGIS में उन्होंने अच्छा नहीं खेला, मतलब अच्छा खेला, क्वालिफाई नहीं हुए, अलग बात है, INKR में थे नहीं वो,
BMPS के बाद BGIS INKR दो ही तो इवेंट हुए ना। हाँ तो अभी तो टाइम है, अभी ये BMPS वाला टाइम है, तो मेरे हिसाब से देखते हैं इस वाले BMPS में क्या सीन होता है। देखो मैं कभी भी थर्ड पार्टी इवेंट का काउंट नहीं करता, वैसा है। मैं सच में बताऊं तो सोल से मुझे उम्मीदें नहीं है। अगर तुम लोग डायरेक्टली सुनना चाहते हो तो मैं ऐसे बोलूंगा कि मैं उनको फाइनल्स में नहीं देखता। मोय मोय गॉडल क्यों हमको दुख दे रहे हो, अरे शाश्वत भाई क्या हो गया। तो मैं वो कह रहा हूँ कि मैं सच में उनको फाइनल्स में नहीं देखता, क्योंकि उनका जो स्टार खिलाड़ी था जिसने इम्प्रूव किया, जिसने अच्छा खेला, उसका एग्जाम आ गया और वो चला गया। तो अक्षत में पहले से ही कॉन्फिडेंस नहीं था तो वो भी डाउन है। गॉबलिन एक दो मैच खराब खेला या एक दो इवेंट खराब खेला, उसको स्विच किया, स्विच करने के चक्कर में स्विच हो गया, अब वो भी नहीं कर पा रहा है। नियो को तो खैर कभी मौका ही नहीं मिला ढंग से, तो वैसा है। और उसके बाद मार्केट में ये सारी चीज़ें चलना कि BMPS में अगर अच्छा नहीं खेले तो उनको हटा दिया जाएगा, पहले से ही उनका मानसिक स्थिति उतना अच्छा नहीं है, और ऊपर से एक और प्रेशर कि अगर अच्छा नहीं खेला तो फिर निकाल दिए जाएंगे। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसको देख के मुझे लगता है कि शायद सोल तुम्हें फाइनल्स में ना दिखे, वैसा। एंड इसके बाद काफी लोग जो मॉर्टल है उनसे पूछ रहे थे टीम सोल के बारे में, साथ में काफी लोग उनको ये भी बोल रहे थे कि जो अमन है वो हमारे को सेमी कोच देखने को मिलेंगे। तो इसके ऊपर उन्होंने रिप्लाई करा, निक्या बुला फू आप लोग देख लो क्या अमन सेमी कोच है सोल का इस BMPS में भाई। अगर सेमी कोच क्या होता है पता नहीं भाई, ये दोपहर तक कोचिंग देगा, हाल बाल लिखते हैं भाई सेमी कोच। जे ओनली सोल BMPS कैन हील अस फ्रॉम क्रिकेट फाइनल्स, मॉर्टल भाई कैन वी Hope to get second trophy of soul because expectation kills. Expectation kill करता है भाई, फिर मत करो expect. In that case, देखो भाई मेहनत, जो मेहनत करेगा उसको मिलेगा ट्रॉफी। हमारी टीम अगर मेहनत करेगी तो डेफिनेटली मिलेगा, हम लोग को टेंशन मत लीजिए आप। बस वही है कि everyone needs to be obedient and disciplined. टीम इंडिया अगर फाइनल तक किया तो सोल भी अपनी हैशटैग 2 में चाहिए। क्या बात है। एंड इसके बाद जो जेली है उन्होंने बात करी थी ड्रॉप चेंज करने के बारे में, तो उन्होंने इस पे एग्जैक्टली क्या बोला वो भी आप लोग। ड्रॉप चेंज कर दिया यार, रुजॉक ले रहे हैं अभी के लिए हम लोग, BMPS के लिए रुजॉक ले रहे हैं, ठीक है। एंड इसके बाद जो स्काउट है काफी सारे टॉपिक्स के ऊपर बात करी, जहाँ पे उन्होंने बताया था कि कौन से लाइनअप से हमें जो खेलते हुए दिखाई देंगे BMPS। एंड इसके साथ में उन्होंने TX के लाइनअप के बारे में भी बात करी, साथ में उन्होंने कोच के बारे में एंड जो TX है उनके फ्यूचर के बारे में बात करी। तो उन्होंने क्या बोला वो आप लोग देख लो। तो आज पहले आपको मैं अपडेट देता हूँ, हम लोग खेलने वाले टीम जीरो से, बट BMPS हम खेलने वाले हैं किससे बताओ, MGZ। MGZ गेस करो कौन सी है। MGZ मैंने आज एक स्टोरी लगाई थी, देखो मेरे इंस्टा पे जाके देखो, मेरी एक स्टोरी है। हम लोग खेलने वाले हैं मार्कोस गेमिंग X0, मार्कोस गेमिंग X0, तो हम वहां से खेलने वाले हैं। माँ है भी नहीं भाई, तो टीम जीरो इनका कोलैब है। सो मैं स्पॉट देख रहा था कहीं पे अगर किसको चाहिए, तो मैं बोला कि ठीक है मैं इवेंट खेल लूँगा। तो बेस्ट आई थिंक डार्क लॉर्ड सैल्स के साथ मेरा गेम चल रहा था, अच्छा टीम का सिंक बैठ रहा था। नहीं नहीं कोई ये नहीं, न्यू है पुराना है। तो आपको पता टीम जीरो किटी वाला था टाइम, याद करो सेकेंड लॉकडाउन के टाइम पे। सो यस वो लाइनअप है। तो हमारी लाइनअप जो कंसिस्ट करती है वो है 6-man रोस्टर, बट हम लोग 5-man ही रजिस्टर किए इसमें। डार्क लॉर्ड IGL शैडो है, अब गॉडल वाला शैडो नहीं है, वो शैडो है। आप लोग NTT की जो लाइन है तो बहुत पुरानी, NTT शैडो, NTT डार्क लॉर्ड, तो इन लोग का जो लाइनअप थी उसका मैं पार्ट हूँ। जो जी जिसमें डोमिनेट की थी लाइन पे, वो वाले लाइनअप का पार्ट हूँ मैं, जहाँ पे डार्क लॉर्ड है, सैयद है, शैडो है, काइलो है, मैं हूँ और दक्ष है। ये टीम जीरो में खेल रहा हूँ। और टीम जो है TX की वो होने वाली है ड्रीम्स, पुकार,
सारंग, स्प्रेगॉड, फोर मैन फिक्स और कोच ऑस्मियम, ये पांच लोग हैं टीएक्स का। तो ये पांचों टीएक्स से खेलेंगे, मैं यहाँ से खेलूँगा और बीएमपीएस के रिजल्ट्स पे बहुत चीज़ें डिपेंड करेगी टीएक्स के फ्यूचर का, क्योंकि अभी तक हो गया, वी वेटेड फॉर वन ऑफिशियल, एक ऑफिशियल लास्ट था, सिक्स्थ मैन जो था वो दक्ष है, बट दक्ष का कमबैक हो तो दक्ष दक्ष का डेब्यू होगा एक ऑफिशियल कॉम्पी में, बट वही है कि बेचारा इस बार रजिस्टर नहीं कर पाया ड्यू टू सर्टन रूल्स, बट ऑब्वियसली आगे जाके दक्ष भी हम लोग का पार्ट है जो आगे जाके खेल पाएगा। एंड इसके साथ में काफी लोग जो स्काउट है उनसे पूछ रहे थे कि हमारे को जो बीएमपीएस है उसके बाद जो टीएक्स है वो शटडाउन होती हुई दिख सकती है, तो इसके ऊपर उन्होंने रिप्लाई करते हुए क्या बोला वो आप लोग देख लो। आई एम नॉट अ ओनर ब्रो, ऑन पेपर और कहीं भी ओनर ने मैं रिप्रेजेंट करता हूं टीएक्स में, क्योंकि मैंने टीएक्स बनाई थी, टीएक्स डिसबैंड आफ्टर बीएमपीएस ऐसा कुछ नहीं है, तो मैं वही बोलूंगा आपको, बहुत सिंपल चीज बोलता ठीक है, TX में शट डाउन आफ्टर BMPS, अगर कुछ स्पॉन्सर्स नहीं मिलते आफ्टर BMPS परफॉर्मेंस के बेस पर, अगर स्पॉन्सर नहीं मिलते तो हम लोग शट डाउन कर सकते हैं। TX फिर रहेगी बट कोई लाइनअप नहीं रहेगा, सेम जैसे मैंने बीच में TX बंद कर दिया था, सेम वापस मैं बंद कर दूंगा, मैं अपना खेलते रहूँगा टीम जीरो से। BMPS के बाद टीम जीरो एक अलग से पूरा एक टीम में रहेगा जहाँ से मैं खेलूँगा, मैं TX बंद कर दूंगा अगर स्पॉन्सर नहीं आता है तो, आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। सो यही चीज़ है, तो बस गाइस यार अभी के लिए मेरे पास इतनी न्यूज़ थी, एंड आगे कोई और अपडेट मिलेगी तो मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में ये बता दूंगा, तब तक के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना।